एचएल टीवी न्यूज। हिसार पुलिस ने रंगदारी मांगने के एक मामले की गुत्थी को एक हफ्ते के अंदर सुलझा लिया है। दरअसल हिसार के अर्बन स्टेट के रहने वाले अतिमुक्त जैन से उनके ही एक दोस्त राजीव ने चिट्ठी लिखकर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो राजीव का गुनाह सबके सामने आ गया। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि राजीव ने अपने दोस्तों के साथ जनवरी में भी अतिमुक्त जैन के किडनैपिंग की साजिश रची थी, हालांकि तब वो कामयाब नहीं हो पाया था। फिलहाल आरोपी राजीव अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि राजीव के साथ और कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल थे। हमें एक कंप्लेंट आई थी हमारे पास अर्बन स्टेट निवासी अतिमुक्त जैन की, जिसमें उनसे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मतलब एक चिट्ठी आई थी उनके पास। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने उनको सबसे पहले तो सुरक्षा मुहैया करवाई, उसके बाद जांच के दौरान ये पाया गया कि उनके ही एक जो खास आदमी हैं जो घर आते जाते रहते हैं उनके, उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें पाया गया है। फाइनली हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने ये इनको किडनैप करने की योजना पहले भी बनाई थी जनवरी में भी, वो 4 लड़के उनके साथ थे शामिल, तो उनके साथ मिलके बनाए थे, लेकिन पहले ये सफल नहीं हो पाए थे। फिर उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया था किसी कारणवश, तो फिर दोबारा इन्होंने चिट्ठी डाल के फिरौती मांगने की कोशिश की। तो चिट्ठी के दौरान हमने मतलब कॉल डिटेल और टावर डंप और उससे सारा कोशिश करके फाइनली हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। और उसके जो पुराने एड्स थे वो भी हमारे उसमें हैं। इन्वेस्टिगेशन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यदि हमें लगेगा तो उनको भी हम अरेस्ट किया जाएगा उनको भी। बट इसमें मेन बात ये है कि जो इनके घर आते जाते रहे हैं उनको पता है कि इनका कितना बिजनेस है और ये क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, इनको पूरा प्रॉपर तरीके से वो फॉलो कर रहे थे, इनकी हर एक एक्टिविटी उनको पता थी, तब जाके उन्होंने ये प्लानिंग बनाई थी। हिसार से हलचल टीवी के लिए रमेश जाखड़ की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।